हेलो बच्चों, आज मैं आपको मटकी डेकोरेट करना सिखाऊंगी। ये मैंने छोटी सी मटकी ली है और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था ताकि ये कलर ज़्यादा ना सूखे। अब ये थोड़ा सूख गई है तो इसमें पहले मैं बेस के लिए वाइट कलर का पोस्टर कलर करूंगी। ठीक है, तो ये देखो बेस का मैंने कलर कर दिया है वाइट पोस्टर कलर। अब ये सूख गया है, इसके बाद मैं रेड कलर का एक्रेलिक कलर करूँगी। आप चाहो तो रेड कलर का एक्रेलिक कलर यूज़ करो या फिर रेड कलर का वाटर कलर यूज़ कर सकते हो, पर एक्रेलिक कलर से शाइनिंग आती है तो इसलिए मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। ये देखो मैंने इसमें पूरा रेड कलर कर दिया है अच्छे से। अब मैं यहाँ पर गोल्डन कलर कर रही हूँ इसके ऊपर। ये देखो मैंने इसमें रेड कलर कर दिया है और यहाँ पर गोल्डन कलर कर दिया है। अब मैंने डिज़ाइनिंग के लिए एयरबड लिया है और ब्लू कलर का एक्रेलिक कलर लिया है। अब मैं यहाँ पे डॉट्स बनाऊंगी इस तरीके से। अब मैंने पहले ब्लू डॉट ली थी, अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की डॉट्स लगा रही हूँ इस तरीके से, एक के ऊपर एक। अब मैं येलो कलर की डॉट लगा रही हूँ। अब मैं वाइट कलर की डॉट्स ऐसे लगाऊंगी। अब मैं ऐसे ये चार डॉट्स लगाऊंगी इस तरीके से। अब जब ये थोड़ा सूख जाएंगे उसके बीच में फिर मैं गोल्डन कलर करूंगी। अब मैं इनके सेंटर में गोल्डन कलर की डॉट्स लगाऊंगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर वाइट लगा रही हूँ ऊपर। आप चाहो तो और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हो, मैंने आपको सिंपल डिज़ाइन बनाना सिखाया है इस तरीके से। अब ये ब्लू कलर सूख गया है थोड़ा सा, तो मैं इसके ऊपर हल्का सा येलो कलर का टच दूंगी ऐसे करके इस तरीके से। ये देखो अब मैं ग्रीन कलर की डॉट लगा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं इस तरीके की और भी सिंपल सिंपल एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आपके हाथ की ये डेकोरेट की हुई मटकी जब मंदिर में लगेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। आप अपने घर में, अपने मंदिर में अपने हाथ से बनाई हुई इस मटकी को डेकोरेट करोगे। अब मैं जो ये वाइट कलर है ये हल्का हल्का सूख गया है, इसमें हल्का सा रेड कलर का मिक्सिंग करूँगी इस तरीके से। अब ये मटकी पूरी तैयार होने वाली है, ऊपर का स्पेस खाली है। मैं यहाँ पर भी एक एक डॉट येलो कलर की लगा दूँगी इस तरीके से। इस तरीके की मटकी दिवाली में, नवरात्रों में, पूजा में यूज़ की जाती है। ये लो आपकी मटकी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहो तो इससे मिलते जुलते और भी डिज़ाइंस बना सकते हो और अपने पूजा स्थल में इसको लगा सकते हो।